मसीह बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं कैडी कैंडिक की वादा हूँ, जिन बच्चों को उनके वालिद ने डबोल दिया समंदर में। उस दिन काशिफ से मेरी बात हुई है, काशिफ ने मुझे फ़ोन किया है। मैंने उसको कहा है कि क्रॉसिंग आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, जो भी मसला है सॉल्व करते हैं। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जब उसने मुझे कहा है कि मैं बच्चों को डबो दूंगा और उसने कॉल बंद किए, मैं फ़ौरन यहाँ से अपनी पुलिस चौकी गई हूँ विदाई करूँगी। वहाँ पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने इसके नंबर पर कॉल की है फ़ौरन, जब तक इसका नंबर बंद हो चुका था। उसके बाद इसने ये कर दिया। बाकी जो इसने किया बहुत गलत किया है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम इस बेटी के पास आए हैं, ये उनके वालिद साहब हैं, हमारे साथ उनके पिता यासीन साहब भी हैं। बात ये कि हमें ये वाक्य का जब पता चला, हम उस दिन से इस फैमिली के साथ हैं, लेकिन ये था कि माहौल इस किस्म का था, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं कि बात कर सकते। बात ये, मैं तमाम मसीही बहन भाइयों से, वालदेन से अपील करता हूँ कि देखिये, ये एक वाक्य नहीं है। ये जो वाक्य बच्चे को ढूंढने गए तो बड़ा ही दर्दनाक है, लेकिन ये मियां बीवी के चपकलश जो है इतनी चल रही है कि हमारे जब सिंध के सेक्रेटरी जब जेल में विजिट करेंगे गुज़िश्ता दिनों, तो वहां लोग जो है, सिर्फ किसी ने अपनी बीवी को मार दिया है, बीवी के शोहर को मार दिया है, किसी ने साले को मार दिया है, इसी तरह के डिस्प्यूट की वजह से लोग 14-14 साल सजाएं, 7-7 सजाएं, 1-1 साल से जेलों में बंद है। मैं तमाम वालदेन से अपील करता हूं कि जब आप खुदारा रिश्ता तय करें तो जल्दबाजी ना किया करें, अच्छी तरह छानबीन किया करें। देखिए, ये बंदा मेडिकल से रिलेटेड है, मेल नर्स है, जब इसकी सोच ये हो सकती है तो फिर दूसरों की, आम आदमी की क्या होगी। क्योंकि याद रखिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि ये देखे कि जो बच्चा चर्च से रिलेटेड नहीं है, चर्च से उसका ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे बच्चों से बचें। क्योंकि चर्च जाना जो है वो खुदा का खौफ रखने वाला बंदा जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। और ये जो वाकया हुआ है, ये देखे इसी तरह जैसे भाई ने बताया कि तीन शादी के 3 महीने के बाद उन्होंने सामान उठा लिया था, उसके घर से उठा के ले आए थे, ताल्लुकात खत्म कर रहे थे, तलाक नहीं हुई थी, बाकी सब चीजें हो गई थी। तो जब ऐसी चीजें हो जाए तो खुदारा सेपरेशन का रास्ता अख्तियार कर लिया करें। जबरदस्ती है, बेशक कितने भी कोई अपीले हो, कितने भी पाए, तो ना ऐसा किया करें। क्योंकि आप बार बार, आप इतने अरसे से आप देखें ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, झगड़े हो रहे थे और फिर आप ऐसे बांध रहे थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब आप ये देखें कि लोग बच्चों को तरसते हैं, और ये देखें कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं दोनों भाई, कितने प्यारे बच्चे हैं। उस बंदे का अगर इतना ही उसको अपनी बीवी से था जो इल्जाम लगा रहे हैं, अब आप बताए अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर बीवी के पास क्यों जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे घटिया इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर निकाह होते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों के अंदर निकाह के साथ अहद बांधा जाता है, मियां बीवी से अहद लिया जाता है बाइबल में हाथ रख के, कि आपने दुख सुख में साथ देना है। तो आप देखें किस तरह ये हो रहा है। अब ये दो मासूम बच्चों का खून किसकी गर्दन पे होगा, ये क्या, ये बहन जो है, ये बेटी जो है, इस तरफ से निकल सकती है, जबकि ये जख्म इसको जो लगा है ये भर सकता है। वो बंदा भी मैं समझता हूं कि बच्चों की चीखें उसको ले डूबेंगे, तो जिंदगी भर इनकी चीखें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो मैं तमाम वालदेन से अपील करता हूं कि खुदारा रिश्ता करते वक्त तय किया करें, अगर ऐसे मामला हो जाए तो सेपरेशन का रास्ता है। और मियां बीवी से भी मैं अपील करता हूं कि खुदारा आप पे भी अगर आपस में अख्तलाफात हो तो कोशिश करें कि आप सेपरेशन का रास्ता अख्तियार करें, बर्दाश्त करें या एक दूसरे को माफ करें, इस तरह के इंतहाई कदम ना उठाया करें, जिससे मसीहत की बदनामी होगी और आपकी जिंदगी भी तबाह हो जाएंगी। खुदा आप सबको बरकत दे।